भाई ऋतिक रोशन ना मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स हैं, और जब वो दुखी होते हैं तो मुझे भी बहुत दुख होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाई इज ऋतिक अपसेट। भाई आपकी फिल्म के सेट से अगर फिल्म का सिनेमेटोग्राफर चला जाए तो क्या होगा? सोचो मेरे सिनेमेटोग्राफर चले जाए तो आपको दुख नहीं होगा क्या? अब भाई इतना सोचना छोड़ो, सारी डिटेल्स के लिए स्पॉट बॉय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखो। ऋतिक रोशन और आशुतोष गवारीकर के प्रॉब्लम्स थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बेचारा ऋतिक मस्त है इन अ पार्टी मूड सिंस उनका बर्थडे बस कुछ ही दिन दूर है, पर अब ये खबर सुनने के बाद शायद ही'ल फील अ लिटिल लो। पॉट बॉय को मालूम पड़ा है कि मोहनजोदड़ो के सेट्स पर हुआ एक बड़ा झगड़ा। सीनियर सिनेमेटोग्राफर मुरलीधरन, जिन्होंने पीके, थ्री इडियट्स और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्में शूट की हैं, उन्होंने गुस्से में आके सेट से वॉकआउट कर दिया। हुआ ये कि मुरलीधरन जी ने आशुतोष को सजेस्ट किया टू पुट अप द सेट इन अ सर्टेन वे। आशुतोष ने उनके विजन से डिसएग्री किया क्योंकि ही वांटेड द सेट टू लुक एग्जैक्टली हाउ इट वॉज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मुरलीधरन जी का पॉइंट ये था कि अगर सेट को एग्जैक्टली वैसा ही रखा गया तो विजुअली स्क्रीन पर वो कुछ खास नहीं लगेगा। आशुतोष ने जिद पकड़ ली कि उन्हें सेट अपने हिसाब से ही चाहिए, और मुरलीधरन जी को लगा कि उनकी बात सही है। बहुत बैक एंड फोर्थ के बाद भी दोनों अग्री नहीं कर पाए और गुस्से में मुरलीधरन जी लेफ्ट द सेट। लास्ट हर्ड, क्रू मुरलीधरन जी को शूट करने के लिए कन्विंस कर रहा था। We just hope कि ऋतिक के बर्थडे के पहले उनके सेट पर आया ये ट्रबल सॉल्व हो जाए।